इत्ता पीस पीस के मिर्चा में जिसी मिलाने हैं, दूध में जो पानी ऐसी पाने हैं, बुरा शक्कर में असीर लाने हैं, नमाज असी को नहीं पढ़ दे, गल्ला ने बिल्कुल सीधी सीधी है, नमाज असी को नहीं पढ़ दे, साल बाद रमजान का महीना होता है, ये तो महीना आवे तो असी मेडिकल रिपोर्ट लेके ते डॉक्टर साहब दे कोल तुर जाने हैं, कहने हैं दसो साडे ते भी रोजा है, गल्ला बिल्कुल मैं ठीक पे करना इंज ही होता है, असी साल बाद एक बार रमजान आंदा है, असी अपनी मेडिकल रिपोर्टा लेके ते डॉक्टर साहब को तुर जाने, देखो जी मैं शुगर का मरीज हाँ, मैं बीपी का मरीज हाँ, मैं ब्लड प्रेशर का मामला है, ते दसो क्या मेरे ते भी रोजा फर्ज है, लखां बंदे ऐसे ने जिन्हां दे जहाज मक्के ते मदीने तो उत्तों गुजर के ते जनाब अमेरिका ते लंदन दे एयरपोर्टां ते जाके उतर दे, उन्हां नूं इन्ना कदी तौफीक नहीं मिली कि यार थल्ले अल्लाह दा घर है, अल्लाह दे नबी दा दर है, थल्ले उतर के ज़ियारत कर ली है, कित्थों दीदीन मिले है, सब कुछ रिज़क हर शै जित्थों मिली है, अल मुख्तसर मेरे दोस्तों कोई ऐसा गुनाह नहीं जेड़ा असी नहीं करते उन्हें गुनाह किया जाए तो ना करिए, गुनाह जो पहली उम्मता कर दिया सन्ना तो किसी के मत्थे ते लिख दिता जाता, दरवाजे पे सुबह कतबा लग जाना कि ए बंदा जानी है, ए बंदा डाकू है, ए बंदा लोकां दीआं पगड़ियां उछालन वाला चुगल खोवे, ए फलाए ए फलाए, सदका कोई देंदा सी तो उन्हूं पहाड़ ते रखिया जांदा सी, आसमान तो अग आंदी सी ओह सदके नूं उचक के लै जांदी सी, अगर ते सदका ओहदा कबूल हुंदा जी ते अग आ जांदी सी, अगर अग नहीं सी आउंदी ते ओह बंदा दुनिया ते ही तहीर हो जांदा सी, अज असीं सदके देने आं पता नहीं कड़ा कड़ा माल हकीकत कह रहे हैं, हकीकत कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, लेकिन मैं गल करनी चाह रहा हूं, आज इज्जत की कसम मस्जिद बैठ के मिंबरे रसूल ते बैठ के पूरे असर वसूख के नाल पूरे जिम्मेदारी के नाल मैं कह रहा हूं, कुरान के विच बिस्मिल्लाह दी बात तो शुरू हो जाओ ते वनाज दी सीन तक सारे कुरान दा मुताला करके देखो, हर गुनाह सी करते हैं लेकिन परवरदिगार ने जितों भी मैनू ते तुहानू बुलाया ना ते बेईमान कह के नहीं बुलाया, जितों भी बुलाया या यूह लदीना मनु कह, बहुत बड़ी बात जिदों भी बुलाया है या अय्युह लदीना आमनू कह के बुलाया है, बेईमान रब ने नहीं किया, और फिर या अय्युह लदीना आमनू अगर आमनू तो गुफ्तगू की जावे तो बड़ी लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, किसे वेले सिर्फ लफ्ज आमनू ते मैं गुफ्तगू करांगा, अगर किसी को ज़ौक बनया को बंदे चार बैठे हुए तो सिर्फ लफ्ज आमनू ते फकीर गुफ्तगू करेगा कि आमनू है की है, बहरहाल हुण मैं अगे सफर करना चाहना क्योंकि वक्त कलील है और दुआ भी करनी है, ये लफ्ज आमनू या अय्युह लदीना आमनू सिर्फ ऐसे उम्मत को नसीब हुआ है, कुरान का मुताला कर लो, 124 नबी आए, अल्लाह ने किसे नबी की उम्मत को लकब नहीं अता किया, ये लकब सिर्फ मिले है ते आमिना दे नाल दी उम्मत दी, और उलमा फरमांदे ने जदों कुरान पढ़ते हां या अय्युह लदीना आमनू पढ़ो ना ते सर दे बालां तो लैके पैरां तक सरापा कान बन जाओ, क्यों खुश तुहाडा रब किसे नाल होर गल नाल किसे होर नाल गल नहीं पै करदा बल्कि डायरेक्ट रब ताला तुहाडे नाल मुखातब है, तुहाडे नाल गल करदा सदके जावां रब सोने दी जात तो फिर एक मरतबा नहीं दो नहीं त्रै नहीं चार नहीं पांच दस बीह बरा नहीं बल्कि 89 मरतबा अल्लाह ने या अय्युह लदीना आमनू, और या अय्युह लदीना आमनू मेरे रब ने फरमा के सानू बुराइयां तो ठाकिया है, कुछ नेकी दे कम करन दा हुक्म दित्ता ते कईआं बुरे कम्मां तो अल्लाह ने ठाकिया लेकिन बेईमान है, नहीं आखिया अगर तुसीं इक वार ज़ौक नाल सुभान अल्लाह
भागवत में कुछ चंद आयता मिसाल दे तौर ते पढ़नी चाहना ता तुहाडा भी ईमान ताजा हो जाएगा ते चलो थोड़ा मेनू भी थोड़ा पता चल जाएगा थोड़ा तो महफिल है वे के मैं मस्जिद में बैठ के पढ़ना मैं बैठ के बाहर नहीं बैठा जरा एक बार सारे हाजरी दे सबूत वो नजर सुभान अल्लाह अल्लाह तुहानू सलामतियां अता फरमाए किसे लोड़ दी मेरा रब थोड़ ना रखे तुहाडियां पगड़ियां दे शिमले मेरा रब बुलंद रखे बड़ा सोहना तुसी साथ पांदे हो मेरा मैं तुहानू अक्सर बुलांदा रहना तुसी आंदे रहंदे हो अल्लाह ताला तुहाडा आना भी कबूल करे ते बहना भी कबूल करे अल्लाह अकबर कबीरा मेरे मुसलमान भाइयों एक मकाम ते रब ताला फरमा रिया या أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين अल्लाह फरमा रहे है ईमान वाले तुसा नमाज कोलो ते सबर कोलो कम लेने ते घबराना नहीं तुहाडा परवरदिगार तुहाडे नाल है तुहाडा रब तुहाडे नाल है एक मकाम ते फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन कबलिकुम लअल्लकुम तत्तकून ए ईमान वालो असा रोजे तुहाडे ते फर्ज कीते ने जिस तरह तुहाडे तो पहले लोकां ते फर्ज कीते सन मौला क्यों फर्ज कीते नहीं लअल्लकुम तत्तकून ताकि तुसी मुत्तकी बन जाओ मेरे कोलो डरन वाले बन जाओ एक मकाम पे अल्लाह फरमा रहे है या أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله إيمان والیو تواڈے وچ میں جمعے دا دن بڑی برکت والا رکھیا ہے عید دا دن رکھیا ہے جے جمعے والے دن جمعے دی اذان سن لو پھر خرید و فروخت نہیں کرنی مصروفیت ختم کر کے فاسعوا إلى ذكر الله اللہ دے ذکر دی طرف دوڑو एक मकाम पे फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तरफ़ु फौका सौतिन नबी ए ईमान वालो कि तो मेरे नबी दी बारगाह ते आवो ते तुहाडी आवाज मेरे नबी दी आवाज तो बुलंद न होवे मैं गल पे करना वा अल्लाह ने ईमान वाले नु मुखातिब करके ते ठकया है ते कई काम करन दा हुक्म दित्या ते कईयां गुनाहों तो ठकया के ए काम तुसा नहीं करने लेकिन तुसा देखना है आयता विच के अल्लाह ने बेईमान नहीं आखिया जिथे आखिया या अय्युहल्लज़ीना आमनु आखिया फरमाया जिदो मेरे रसूल दी बारगाह ते आवो ते तुहाडी आवाज मेरे नबी दी आवाज तो बुलंद ना होवे मौला फेर अंतह पता आमालकुम मान तुम ला तशुरून एंजे ना होवे कि तुहाडे अमल साया हो जान ते तुहानू खबर ही ना होवे ए मेरे नबी दे दर दा एक अदब है इहतराम है खबरदार तुहाडी आवाज मेरे नबी दी आवाज तो बुलंद ना होवे अगे फरमाया या أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إيمان والو ایک دوسرے تو بد گمان نہیں ہونا تین بھائی ہوون چوتھا انہاں تو بد گمان ہے باپ بیٹے تو بد گمان ہے بیٹی ماں تو بد گمان ہے دو دوست اکٹھے بیٹھ کے گلا کر دے گوول تیسرا آ جاوے تے پریشان ہو جاندا ہے پتہ نہیں میرے بارے لگے ہوں او بد گمان ہو جاندا ہے اج اے بد گمانی میرے معاشرے دے اندر قیمت کی طرح پھیلی ہوئی ہے بلکہ اس بدگمانی نے بڑے بڑے گھر اجاڑ دیتے میرے بلیو ایسے بدگمانی نو اللہ نے 1450 سال پہلے قرآن اندر بیان فرمایا ہر تیسرا بندہ بلڈ پریشر دا تے دل دا مریض ہے ڈاکٹر کول جائے تے کہندے نے تسی جناب ٹینشن نہیں لینی پریشانی نہیں لینی پریشانی کی ہے اے پریشانی
परेशानी दा एक नाम बदगुमानी है, एक नाम दा बदगुमानी है। डॉक्टर ने एदा इलाज होण दस्या है, रब ने साढ़े 1400 साल पहले दस्या है। मैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू जतनिबू, ए ईमान वालो एक दूसरे तो तुसी बदगुमान नहीं होना। इजतनिबू कथीर मिन ज़न्नी इन बाद ज़न, बड़ जो बाद बाद ते बदगुमान ने इस्मुल, ए बहुत बड़ा गुनाह जे, खबरदार बदगुमान एक दूसरे तो होना। मौला फेर फरमाया वला तजस्ससू, फिर लोका दिया दरवाजिया पीछे लग के गल्ला नहीं सुनिया, जासूसियां नहीं करनिया। मैं वला यक्तब बाद कुंबादा, शोका ते बह के लोका दिया पकड़िया नहीं उछलनिया। गईबत नहीं करनी, लोकां दी पगड़ी नहीं उछलनी। फरमाया ये जिस तरह एक मुर्दा भरा दा गोश्त खाना, पता चले अल्लाह ने ईमान वालिया नू बदगुमानी तो मना कीता, जासूसी तो मना कीता है शायद दे अंदर, और गीबत तो मना कीता है शायद। इस तो बाद फरमाया एक आयता ने 89 90 आयता ने, ते सारी पढ़न दा टाइम नहीं क्योंकि मैं आगे भी पहुंचना है। मैं फिर उस आयता लेना, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिहि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ए ईमान वालों अपने रब को लो डर जाओ, इंज दा डरो जिस तरह दरदा हक होंदा है। ए नहीं के जलजले आ जाव ते तुसी नमाजी बन जाओ, ए नहीं के जलजले आव ते तुसी जनाब नमाजी बन जाओ। बच्चे दे इम्तिहान आ जाव, पंज काना नमाज मस्जिद विच रिजल्ट आन वाला होवे, पंजे नमाज तकबीर औला दे नाल मस्जिद विच जूही इम्तिहान खत्म हो जाए, ना अल्लाह दे घर दा पता ना नमाजा दा पता। अल्लाह ने फरमाया ना ना, मेरे कोलो खुशी वेले भी डरना है, गमी वेले भी डरना है। ए ईमान वालो, जनाजे दे वक्त भी मोमन नजर आवो, शादी दे वेले भी मोमन नजर आवो, मैनू खुशी बच भी याद करना। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन सरकार ने फरमाया, अब्दुल्लाह जी आका, फरमाया कभी सौखे वेले रब नू ना भुल्ली, सौखे वेले रब नू ना भुल्ले। अगर तू सौखे वेले रब नू याद रखा ना, जो तेरे ते औखी बन जाएगी तो तेरा रब तेन अज असि की है। जो साड़ियां खुशियां होन असि तीसरी मखलूक बने होने, की कुछ नहीं असि कर, की कुछ नहीं हुंदा। शादी जैसी पाक रस है, अपना पाक सरकार दी सुन्नत नूं असा इस कदर जनाब अपनी जहालत दा और अपनी दीन तो दूरी दा जनाब ऐसा असि ऐसियां मिसालां पेश करने आ कि सानू वेख के यहूदो नसारा भी इस तरह नहीं। शायद इकबाल ने कहा ना, यू तो सैयद हो मिर्जा हो अफगान भी हो, अरे बताओ सभी कुछ हो मुसलमान भी हो, जुबान से कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह के हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं। खुशी तुसी मोमन लगो, गमी मोमन लगो। यार रात बड़ी कीमती है, बड़ी कीमती रात है। मैं एक गल तौबा दे उते हदीस पाक पढ़ने के बाद इंशाल्लाह दुआ करने हैं। बहुत बहुत ज्यादा मुहदीसीन इकराम ने इस हदीस को रवायत किया है। हजरत मूसा कलीम का दौर है,
एक बंदा बड़ा गुनाहगार है, बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही, और बारिश ना होने की वजह मवेशी ते जानदार इंसान बड़े परेशान ने। जाहिर है बारिश के नाल सारे रोजी के मामला चलते, लोग बड़े परेशान ने कि बारिश आवे तो मामला चलन। लोगों की परेशानियां उरूज तक पहुंच गई, तो लोग जनाब मूसा अलैहि सलाम की खिदमत में हाजिर हो गए। आपने नमाज पढ़ी, दुआ की, लेकिन बारिश नहीं आई, लोग भी बिखर गए, आप चले गए, कुछ दिहाड़े गुजरे, लोगों की परेशानियां फिर बढ़ गई। गल भी साबित होती है कि जो कोई मुश्किल बन जाए अल्लाह दे नबी दे द्वारे ते आइए तो मुश्किल हल हो जाए। एक गल भी साबित हुई ना कि अल्लाह दे नबी दे द्वारे ते जाइए तो मुश्किल हल होंदियां ने, परेशानियां दूर होंदियां ने। ये भी गल है कि अगर बंदा गुनाह करे तो अल्लाह दी रहमत रुक भी जाती है। दूसरी बार अल्लाह ने भी है दुआ की थी, बारिश नहीं आई। आखिरकार तीसरी बार जिस वक्त दुआ की थी ना, बारिश ना आई, तो अल्लाह के नबी जनाब मूसा अलैहि सलाम ने सर सजदे में रखा ते रो के अर्ज कर दे रे मौला परवरदिगार आलम मेरे को तेरी मखलूक की भुख नहीं वेखी जाती, या अल्लाह इन्हां दे टुकड़े नहीं सुने जाते, मौला ये लोग बड़े परेशान ने, दो दफा इन्हां नूं लैके आया वा, तीसरी दफा होण आया वा, मौला बारिश क्यों नहीं गलदा, बारिश क्यों नहीं भेजदा। रब ताला ने फरमाया मेरे मूसा दरअसल इन्हां लोकां दे अंदर एक गुनाहगार एक सियाकार किन्ने गुनाहां दी लत बनी हुई है, सुबह भी गुनाह करता है, राती भी गुनाह करता है, ओदी सारी जिंदगी गुनाहां विच गुजर गई है। चौका ते खड़ा हो के लोकां दीआं पगड़ियां उछालदा है, लोकां दीआं गीबां करदा है, जिन्नी देर तक ओ बदबख्त इन्हां दे अंदर होवेगा मैं बारिश नहीं गलनी। जिनी देर तक इन्हां दे अंदर रहेगा मैं बारिश नहीं करनी। जनाब मूसा अलैहि सलाम ने सारी कौम नूं मुखातिब करके फरमाया तुहाडे विच एक बदबخت बंदा है जिस जल्ले दी वजह तो पूरी कौम दे अंदर कहत आ गया है और परेशान है। मैं ऐलान करना कि बंदा निकल जाए ताकि दूसरे लोग किते सुख विच रहन। आहा ते बंदे ने कीतियां होणा मेरी वजह तो सारे मामला हो रहे दिल सोचता बोला अगर मैं बाहर तुर गया इन लोगों वेख लिया तो मेरी नस्लों भी ताने दे मार चाहिए। होर उम्मीद नकागी मेरे मौला अगर तू रहम कर देना तू माफ कर देना तेरा की चलता है, मौला मेरा कम बन जाएगा।
मेरा कम बन जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आप दे नजरा गेट की तरफ ने मेन गेट की तरफ कि मैं देखा ते सही केड़ा बदबख्त बाहर जाता है लेकिन कोई बंदा बाहर नहीं गया। ओ शबे बारात महफिल ते आने वाले नौजवान मैं तेनू दसा मेरे रब दियां करीमियां किन्नियां ने मेरे परवरदिगार दा मेहरबानियां किन्नियां ने अपने बंदे नाल प्यार कितना है अपने बंदे नाल मुहब्बत कितनी है रब्बे मूसा पे वेख दे ने कोई बंदा नहीं गया लेकिन जगह एक बार शुरू हो गई आए हैं बारिश शुरू हो गई है जरा बे मूसा के सलाम ने देखा बारिश आ रही है कोई बंदा बाहर नहीं गया कोई बंदा बाहर नहीं गया रो के मौला पहले बारिश नहीं सकलता तू ऐलान किया बंदा बाहर जावे मैं देखा है कोई भी बाहर नहीं गया लेकिन तू बारिश तोड़ दोगी है मौला तू मालिक होया अहकमुल हाकिमीन जो होया मौला तेरिया तू ही जान ले आवाज आई मूसा किदी वजह तो बारिश नहीं सी गलदा आज ओदी वजह तो बारिश गलना पिया वजह से रोकी सी ओदी वजह तू पे भेजना अर्ज की या अल्लाह फिर कुछ और बंदे दा नाम ते दस मनु ओदी शक्ल दे साथ मैं देखा ते सी केड़ा है आए हाय मेरे रब ने फरमाया मेरे मूसा की तो मेरी ओदी अनबन सी ओदो मैं ओदा पर्दा जाहिर नहीं कीता ते होर ते फिर भी ओने मेरे को माफी मांग ली जो मेरी ओदी नहीं सी भी बनती ओदो मैं ओदा पर्दा पाई रखा ते हुण हुण ते ओदे नाल साडी सुलह हो गई है उस मेरे बंदे ने मेरे को माफी मांग ली है ऐ भी मेरे परवरदिगार दी रहमत मेरे करीम नबी ने इरशाद फरमाया कल कयामत दा दिन होएगा दो बंदे होंगे अल्लाह फरमाएगा जाओ जहन्नम ते तुर जाओ फरिश्ते दरवाजे को पिछे लैके आओ तवज्जो करिया जे गल बड़ी मजे आली अल्लाह फरमाएगा फरिश्ते लैके आओ फरिश्ते लैके आओगे अल्लाह फरमाएगा ओ जहन्नम का नाम सुन के बड़े बड़े पहलवाना दे पित्ते पानी बढ़ जाते ने ओ तू कैसा बंदा है तेनू जहन्नम ते जान दा हुक्म होया दौड़ लगा दित्ती या दौड़ लगा दित्ती या ते बंदा रो के अर्ज करेगा मौला मैं सारी जिंदगी तेरिया ना फरमानिया कीतिया ने तेरिया ननी नहीं मनिया मौला नमाजा मैं नहीं पढ़दा रहा रोजे मैं नहीं रखदा रहा या अल्लाह तेरे हुक्म ते मैं नहीं चलदा रहा सारी जिंदगी मैं तेरी एक नहीं मननी सोने मालिका जिदो तू हो ना जा जहन्नम ते चला जा मैं दिल विच सोचिया ओ सारी जिंदगी ना फरमानिया कितिया नी चल हो नी मन ले हो नी मन ले परवरदिगार मैं जहन्नम नहीं तेरा हुक्म समझ के दौड़ अल्लाह फरमाएगा फरिश्ते हो इन्हें वापस ले आओ मेरा बंदा मर जो गया है मन जो गया है ये दूसरा बंदा अल्लाह फरमाएगा जा जहन्नम में एक पैर गे रखेगा एक पैर गे रखेगा फिर पीछे देखेगा ते अल्लाह फरमाएगा की गल है कदे पीछे वेना कदे गा जाना कदे मौला आगे ता जाना के तेरा हुक्म है आगे पैर ता रखना के तेरा हुक्म है ते पीछे ता वेना के शायद तेरी रहमत नु लारा आ जाए ते मैं बख्शा जावां क्योंकि मैं सुनिया सी मौला मैनू पता है मैं उलामा कोलो सुनिया सी ते कहंदे ने कि ने बाबे मैं लख करोड़ गुनाई ते फिर भी बंदा मैं तेरा ते मेरे ते तू फजल कमावी है तेरा फजल बदे
ए रात अपने रब नु मनावन वाली रात जे असा इस रात ते सजदे करके परवरदिगार नु मनाना है, कुरान पढ़ के परवरदिगार नु मनाना है, रो के परवरदिगार नु मनाना है, ओ दुरूद ओ सलाम ओ दे नबी ते पढ़ के परवरदिगार नु मनाना है। ओ खुदा दी इज्जत दी कसम है, दुनिया दा कानून है के प्यासा कुएं दे कोल जांदा है, लेकिन अज दा कानून उल्ट चे और कुआं चल के खुद प्यासियां कोला रिया जे, कुआं चल के प्यासियां कोला रिया जे। ओ यारो दुनिया दा कानून है, जदों कोई गुनाहगार कोई मुल्ज़िम